खबर नैनीताल जिले से है, जहां हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखल कांडा के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते दिनों ओखलकांडा में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों को प्रशासन ने मुआवजा देने का वादा किया था। इसके तहत ही धरना प्रदर्शन करते हुए मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्हें केवल 2-2 लाख रुपए ही मुआवजा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उनसे वादा खिलाफी कर रहा है और प्रशासन पीड़ित ग्रामीणों की बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों से बातचीत की। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाकी बची धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देना प्रस्तावित है और शासन में कार्रवाई चल रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर जी, हमें आज से 15 दिन केवल LDM साहब का फोन आया था। सर 15 दिन में आपका 2-2 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। सर आप 15 दिन 21 दिन हो चुके हैं। सर मेरी यही गुजारिश है कि सर आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार धरने पर नहीं आ सकते। सर हम जो सर पहाड़ से चल के आते हैं, 250 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। सर हमें बार बार क्यों परेशान किया जा रहा है? वो कहा था सरकार ने हम 7 लाख रुपए देंगे, मैं तो उस दिन उठा ही नहीं रहा था अपने बालक को। हम देंगे कहा, अब वहाँ से उठाओ कहा। सभी लोगों ने कहा चलो उठा लेते हैं, मैं उठा दिया। अब हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। परसों यहाँ पर आए थे, मतलब 15 दिन का वादा दिया था, वो वादा पूरा ही नहीं दिया इन्होंने। उप जिला अधिकारी ने 15 दिन का समय दिया था, आज 21 दिन हो गए, मांग पूरी नहीं हुई। मृतक परिजनों के दुखों को कुरेदने का काम किया जा रहा है। हमने तो पैसे मांगे नहीं थे, 4 लाख रुपये उन्होंने कहा देंगे। योगेश, जिसके लिए लोग फोटो खिंचा रहे थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाके, तमाम उन लोगों को मानवता खो गई है उनकी। उन्होंने फोटो खिंचाई, उसको 2 लाख रुपए योगेश को नहीं मिले, जिस 7 साल का बच्चा जो मरा उसको 2 लाख रुपए जब मिले, जब मैंने 15 दिन पहले यहाँ हल्ला काटा। अब 2 लाख रुपए की राशि शेष बचती है और छिड़ाकान मिटान मोटर मार्ग ठीक होना मांगता, दोनों में से कोई काम नहीं हुए। या तो प्रशासन कहे कि हमसे गलती होगी, उस टाइम आपने वहाँ पर आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हमारे साथ झूठ फरेब हमारे दुख के साथ क्यों किया? हम इसके खिलाफ हैं और यहाँ पर सारे मृतक परिजन आए। देखिए, एक दुर्घटना घटित हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष, उसमें जिला स्तर से जो फंड्स होता है वो तत्काल जो प्रभावित थे उनको 2-2 लाख रुपया सहायता रिलीज कर दी गई थी। साथ ही कुछ धनराशि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से देने के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें शासन स्तर पर ये प्रकरण विचाराधीन है। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क PMGSY के अंडर उसके अपग्रेडेशन के लिए फंड सैंक्शन हो चुका है, मेरे को एक्शन ने ऐसा बताया है, और साथ ही उसके टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं। और मजिस्ट्रेट जांच में आप सभी को पता है एक समय लगता है, मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त सहायता राशि है उसको देने के लिए प्रस्ताव जिला स्तर से ये मार्च के प्रथम सप्ताह में ही शासन को भेजा गया है।